हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों आज चलिए मैं कुछ पौधों को लगाती हूँ और कुछ दिखाती भी हूँ। कुछ फ्री हैं और कुछ खरीदे हुए हैं, तो मैं उसी से मैं अपनी गार्डनिंग आज शुरू करने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए, कुछ भी नहीं, मैं सामने नहीं आ पा रही हूँ आप लोगों के। कहीं कुछ वीडियो डाल देती हूँ, कहीं कुछ डाल देती हूँ, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, जो भी डालती हूँ अच्छे डालती हूँ। बस ये है कि आप सब लोगों का साथ बना रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और देखिए मेरे चीकू में कितने फूल आ रहे हैं, खूब भर भर करके आ रहे हैं। आज थोड़ा मेरा मन भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या मन खराब था, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है राजकाज। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अपने आप पता नहीं क्या है, ना कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी मन मेरा ख़राब थोड़ा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए अपने फ्रेंड्स के पास चलते हैं, अपने जो मेरे जिगरी दोस्त हैं, अपने उन्हीं दोस्तों के पास चलते हैं, अपना आपस में बात करते हैं और काम भी करते हैं, तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा और आप लोगों से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, नींबू, ये चीकू पका है कि नहीं? ओहो, पक गया, पक गया, पक गया, पक गया फ्रेंड्स, देखिए पक गया। अब मैं खा करके दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी अभी मैं खा के दिखाती हूँ आप लोगों के सामने। कितना मजा आया देख करके, ये तो गिर जाता, बिल्कुल गिर जाता, नहीं खा पाते। देखिए जरा सी गुठली निकली, वाओ। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल जरा सी गुठली निकली, देख रहे हैं, एकदम से जरा सी निकली है। सच बताती हूँ बहुत मीठा निकला है ये। बहुत मीठा निकला फ्रेंड्स, इतना मीठा मज़ा आ गई खा करके। चलिए अब पौधे लगा लेते हैं, कुछ एनर्जी आ गई, आज मेरा मन खराब था, थोड़ा अच्छा लगने लगा है, अब चलते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, गुलाबांस है, ये गुलाबांस है और ये नीचे सुखाड़ला है। मेरे छत पे नीचे बहुत लगे हैं गुलाबांस, और ये जब एक बार कहीं से भी एक डंडी मिल जाए, इसकी कटिंग भी लग जाती गुलाबांस की। ये देखिए आज गुलाबांस लगाते हैं, और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये कितना सुंदर खिला है। ये तो बहुत सुंदर से अभी लगाना है हमको, इसका कुछ अलग से ही रूप दूंगी, तभी बहुत सुंदर लगेगा फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लगेगा। इसको मैं कुछ अलग से इसका मतलब DIY बनाऊंगी, तभी मैंने इसको रख रखा है, काफ़ी दिनों से रखा है। इसके चलिए जो रूट्स हैं फालतू, मतलब जो है ये बीट्स हैं, ये इनको निकाल देते हैं इस तरह से, क्योंकि बिल्कुल फालतू में एनर्जी ले रहे हैं। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैंने, ये एक साल से इसको मैं इंतज़ार कर रही कि अभी लगाऊंगी, अभी लगाऊंगी तैयार करके, तो अब इसमें थोड़ा पानी नहीं डालूंगी, पानी डाल दूंगी तो फिर ये लगेगा नहीं, मतलब निकलेगा नहीं। और रूट्स तो खैर सच में बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, अब इनमें मैं लगा करके अभी इसको तो आज ही लगाऊंगी, अगर हो सका तो लगाऊंगी, लेकिन ये हाँ गुलाबांस ज़रूर अभी लगा रही हूँ, रिपोर्ट कर रही हूँ। और ये देखिए अनार कैसे आ रहे हैं कितने गुच्छों में, देख रहे हैं फ्रेंड्स, दूर से मैं दिखाती हूँ कितने गुच्छों में अनार लग रहे हैं, ये देखिएगा, है ना। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं इसमें कौन सी फर्टिलाइज़र डालूँ, क्या करूँ जो इसमें थोड़ी सी अच्छी सी और हार्वेस्टिंग हो सके, और मतलब इनके जो फल में ये कन्वर्ट हो रहे हैं ना, देखिए जैसे ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं तो गिरे भी ना, और इनके लीव्स भी पता नहीं क्यों पीली पीली हो रही हैं, क्या कारण है मेरे समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें क्या डालूं। आज फ्रेंड्स, आज जो है मैंने फ्रेंड्स क्या किया कि आवाज़ को बिल्कुल म्यूट नहीं किया, और यहाँ पर एक्चुअली मैं बोली नहीं थी, तो मैंने थोड़ी स्पीड को बढ़ा दिया, और ये रूट्स जो है मतलब बीट्स लगे हुए हैं खरपतवार, तो इनको मैंने सोचा कि चलिए हटा देते हैं,
और आज इसमें गुलाबांस लगाते हैं। गुलाबांस फ्रेंड्स इसमें इस तरफ इसलिए लेकर के लगाने आई हूँ क्योंकि शायद मेरे पास तीन तरह के गुलाबांस हैं और मेरे नीचे इतना गुलाबांस हो गया है फ्रेंड्स कि अगर इसमें एक कहीं से सीड्स मिल जाती है ना, तो एक सीड्स मिल जाए या एक कहीं कटिंग मिल जाए बहुत जल्दी तैयार होता है। तो मैं नीचे सुखाड़ करके ले आई। पिछले साल मेरे यहाँ ऊपर वाइट कलर का गुलाबांस था तो मैंने ढेरों गुलाबांस उखाड़ उखाड़ करके फेंके, इतने तैयार होते हैं। तो ये देखिए इसमें एक्चुअली में होता क्या, इनमें गांठ होती है। और ये देखिए जो फ्रेंड्स अपने आप नीचे तैयार उग आए थे तो मैंने इनको सोचा कि इनमें लगा दिए थे, इसमें नर्सरी के जो थैले आते हैं उन्हीं में, तो उसको मैं लगाने के बाद में सोचा इधर जो मैंने लौकी ओकी को लगा रखा है तो मधुमक्खियों के लिए मैंने मेन फूलों के वाले पौधे इस तरफ लगा रही हूँ क्योंकि जब मधुमक्खी आती है ना तो वो अपना वो पॉलिनेटर करने काम में आती हैं, तो इसलिए मैंने इसमें इस तरफ लगाया फ्रेंड्स। तो अब हमें अलग से पॉलिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर लौकी वगैरह में फूल आए। और इनमें क्या होता है कि तरोई वगैरह में तो वाइट पीले फूल आते हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर पीले फूलों में तो अपने आप अट्रैक्टिव होती रहती मधुमक्खियाँ। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ तरफ इस तरफ लगा देते हैं, अच्छी सी बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, तो इस तरफ लगाने के बाद में अब ये हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और है, इसमें गुलाबांस में नीचे गांठ बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसके रूट्स तो ज़्यादा नहीं होते लेकिन हाँ गांठ बहुत जल्दी होती, और ये इतना बड़ा मजबूत पौधा होता है कि आप कहीं भी एक छोटी सी कटिंग मिल जाए तो भी आप लगा सकते हैं। और ये गुलाबांस कई एक कलर में आता है, तो मेरे पास तीन कलर के गुलाबांस हैं। एक तो मैं सरकारी नर्सरी से लेकर के आई थी, एक मुझे कहीं सीड्स मिल गए थे, हाँ दो मैं सरकारी नर्सरी से लेकर के आई थी पौधों को, और एक मुझे सीड्स मिल गए थे। तो मैंने तीन सीड्स मुझे पिंक कलर के मिले हुए थे तो उन्हीं सीड्स से मैंने उगाए। तो आज मेरे पास इतने तैयार हो गए गुलाबांस कि सच बताऊं फ्रेंड्स कि मेरे को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने पड़ते हैं। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आज जो मैंने चीकू की हार्वेस्टिंग की तो वो भी बहुत अच्छा लगा, इतना मीठा चीकू था फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितना मीठा चीकू था। अब की बार कहीं किसी भी प्रकार से बच गया ये, नहीं तो गिलहरियाँ छोड़ती भी कहाँ हैं। अभी मैंने अंजीर की तरफ नहीं ले गई थी, अंजीर भी खूब इस समय फ्लावरिंग कर रही। और हाँ फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैंने पूछा ना इसमें ये अनार में कि अनार में क्या डालें, तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सी उसमें फर्टिलाइज़र को ऐड करूँ जो अच्छी से मतलब जो इसमें फल में कन्वर्ट हो गए हैं तो फल गिरे ना। हालांकि मैं इसमें वो नहीं डालती हूँ जो इसमें बोलते हैं बोन मील, लेकिन बोन मील से बताते हैं फ्रेंड्स बहुत जल्दी से अच्छे से मजबूत हो जाती हैं इनकी जड़ें। तो बोन मील के थ्रू, बोन मील के अलावा कोई और फर्टिलाइज़र हो फ्रेंड्स तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं और कौन सी फर्टिलाइज़र डाल दूँ इसमें जो हमारे अनार बहुत अच्छे से खिले खिले और बड़े बड़े निकलें। तो आप फ्रेंड्स जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा आज ये कैसा मेरा छोटा सा व्यू रहा ये गार्डन का। और ये मैंने एक्चुअली में क्या किया कि फ्रेंड्स ये धूमिल धूमिल यहाँ पर इसलिए ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ सामने से कैमरा लिया, वो कैमरा मेरा बहुत गंदा था इसलिए जो है मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो है जैसा है ये है। तो फ्रेंड्स सभी लोग अपना ख्याल रखें, थैंक यू फ्रेंड्स।